मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में क्या क्या होते हैं? सूरज, चांद, तारे होते हैं। और चंद्रमा पर सबसे पहले कौन व्यक्ति गए थे? अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग। और उसके बाद 1969 में अपोलो सेकंड नाम का एक अंतरिक्ष यान था, उसमें बैठकर तीन लोग चांद पर गए थे और उन्होंने देखा था कि वहाँ पर चांद पर क्या है, चट्टाने हैं और गड्ढे हैं, और वहाँ से चांद की वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी लेकर आए थे। और चांद पर रोशनी किससे मिलती है? सूरज से। और तारों की भी अपनी रोशनी होती है। तारे भी आकार में सूरज के बराबर होते हैं, लेकिन वो हमसे दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। चंद्रमा कब पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। और ईद का चांद, ईद कब मनाई जाती है? चंद्रमा देखकर ही ईद मनाई जाती है। आज हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 37। शब्द अर्थ शुरू करते हैं। नन्हा, नन्हा मतलब क्या होता है? छोटा। नामक, नामक मतलब नाम से, किसी के नाम से कोई चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नामक। वायु, वायु मतलब क्या होता है? हवा। धरती, धरती मतलब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। प्रकाश मतलब रोशनी, जिससे जो मतलब उजाला हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। खुद मतलब अपने आप, अपना खुद, खुद जो अपना होता है उसको बोलते हैं खुद। डिक्टेशन वर्ड पढ़ेंगे, इसको आप बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। चा में आ की मात्रा चा, चंद्रबिंदु और द चांद। ता आदा सा, वामे बड़ी की मात्रा बी, रामे की मात्रा रे और बिंदी तस्वीरें। सामे बड़ों की मात्रा सू और य सूर्य। रॉकेट, रॉकेट। सूरज, सूरज। ईद। अमेरिका, चट्टाने। मी आधा टाव, टा में बड़ी की मात्रा टी, मिट्टी। अपोलो, आप आमेओ की मात्रा पो और लामेओ की मात्रा लो, अपोलो। चमकीला, चमक, आमे बड़ी की मात्रा की और ल, चमकीला। कहानियाँ, कहा, नामे छोटी की मात्रा नी और यामे आ की मात्रा या, कहानियाँ। तो ये डिक्टेशन वर्ड आपको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। चांद की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है चांद की तुलना? चांद की तुलना गोल गोल थाली से की गई है। चांद की तुलना गोल गोल थाली से की गई है। चांद पर कोई क्यों नहीं रहता? चांद पर कोई क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहाँ पर हवा पानी कुछ भी नहीं है। चांद पर क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। अंतरिक्षयान चांद पर से क्या क्या लेकर आए? तो अंतरिक्षयान यात्री चांद पर से मिट्टी और चट्टाने लेकर आए थे। तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तारों की दूरी हमसे कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, इसलिए तारे हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो आया समझ में? पहला क्वेश्चन क्या है? चांद की तुलना किससे की गई है? तो चांद की तुलना गोल गोल थाली से की गई है। चांद पर कोई क्यों नहीं रहता है? क्योंकि चांद पर जीवन नहीं है, इसलिए चांद पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए कोई नहीं रहता है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर से चट्टाने एवं मिट्टी लेके से नमूने लेकर आए हैं। तारे की दूरी हमसे कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, इसलिए तारे हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब लिखा है सही उत्तर पर सही लगाइए। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस पर सही का निशान लगाइए। नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, इस पर सही का निशान लगा लीजिए। चांद पर क्या है? बड़ी बड़ी चट्टाने और गड्ढे, इस पर सही का निशान लगाइए।
तारों को प्रकाश मिलता है, तारों को प्रकाश किससे मिलता है, सूरज से। तो सूरज पे सही का निशान लगाइए। पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चांद चक्कर लगाता है। तो हमने क्या पढ़े आज, शब्द अर्थ पढ़े, श्रुतलेख पढ़े बिना देखे लिखने वाले वर्ड, और मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़े, और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब इन सबको आप घर में पढ़कर दोहराइएगा और HW कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।